रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू निदाज नोट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस, विच इज़ व्हाट आर द क्लासेस ऑफ वर्कमैन। अब ये जो है शेड्यूल वन का, इसमें इस ऑर्डिनेंस का एक ही शेड्यूल है, उसका ऑर्डर वन जो है वो आपकी क्लासेस ऑफ वर्कमैन से डील करता है। उसमें वो आपको बताता है कि बेसिकली किसी भी एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री में सिक्स टाइप या सिक्स क्लासेस ऑफ वर्कमैन होती हैं, जिसमें से जो नंबर फर्स्ट है वो है परमानेंट। परमानेंट वर्कमैन इज अ वर्कमैन। परमानेंट वर्कमैन वो वर्कमैन है हु हैज़ बीन एंगेज ऑन वर्क ऑफ परमानेंट नेचर लाइकली टू लास्ट मोर देन 9 मंथ्स। जिसको जो है किसी भी परमानेंट नेचर के काम में एंगेज किया जाता है, जो कि कितने मंथ्स तक कायम रहता है, 9 मंथ्स तक कायम रहता है। वो कहते हैं परमानेंट वर्कमैन वो वर्कमैन होगा जिसको किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में 9 मंथ्स के काम के लिए जो है वो हायर किया जाता है। इसकी सेकंड जो क्लास है वो है प्रोबेशनर। प्रोबेशनर इज अ वर्कमैन हु इज प्रोविजनली एम्प्लॉयड टू फिल अ परमानेंट वैकेंसी इन अ पोस्ट एंड हैज नॉट कंप्लीटेड 3 मंथ्स सर्विस। अब प्रोबेशनर कौन है? प्रोबेशनर वो वर्कमैन है जिसको परमानेंट वैकेंसी को फिल करने के लिए जो है एम्प्लॉय किया जाता है, और उसकी सर्विस को जो है वो उसने अभी 3 मंथ्स जो है कम्प्लीट नहीं हुए होते। जैसे हम कहते हैं कि प्रोबेशन पीरियड के लिए आप जो है किसी पोस्ट में हम किसी बंदे को हायर करते हैं। तो फर्स्ट हमारी क्लास कौन सी है? परमानेंट। सेकेंड है प्रोबेशनल। जो थर्ड है वो है बदली। बदली इज अ वर्कमैन हु इज अपॉइंटेड इन द पोस्ट ऑफ अ परमानेंट वर्कमैन और प्रोबेशनर हु इज टेम्पररीली एब्सेंट। अब वो कह रहे हैं बदली कौन है? जैसे बदला ऐसे ये वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है। वो कहते हैं ये वो बंदा है जिसको अपॉइंट किया जाता है किसी भी परमानेंट या प्रोबेशनल की जगह जब वो टेम्पररीली एब्सेंट होते हैं। मतलब जब कोई भी परमानेंट वर्कमैन या प्रोबेशनल वर्कमैन जो है एब्सेंट होता है, तो उनकी जगह पर फॉर द टाइम बिंग बदली जो है वो वर्कमैन को अपॉइंट किया जाता है। इसमें जो फोर्थ काइंड है वो है टेम्पररी। टेम्प्रेरी वर्कमैन इज अ वर्कमैन। टेम्प्रेरी वर्कमैन वो वर्कमैन है हु हैज़ बीन एंगेज फॉर वर्क, जिसको उस काम के लिए एंगेज किया जाता है, विच इज़ ऑफ एन असेंशली टेम्प्रेरी नेचर, जो कि टेम्प्रेरी नेचर का होता है। मतलब वो परमानेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, थोड़े टाइम के लिए होगा, लाइकली टू बी फिनिश्ड विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 9 मंथ्स, जो कि एक्सीडिंग कर रहा है 9 मंथ्स से ज़्यादा नहीं। मतलब जो परमानेंट आपके वर्कमैन है उनका काम 9 माह से ज़्यादा एक्सीड करता है, और जो टेम्प्रेरी वर्कमैन किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में रखे जाते हैं उनका काम क्या है? उनका काम जो है वो 9 मंथ से एक्सीड नहीं करता। उसके बाद फिफ्थ जो इसकी क्लास है वो है अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज इज अ पर्सन हु इज एन अप्रेंटाइज विद इन द मीनिंग ऑफ द अप्रेंटाइज ऑर्डिनेंस। ये अप्रेंटाइज एक ऑर्डिनेंस है, उसके अंडर वो कह रहे हैं जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाता है वो आपका अप्रेंटाइज कहलाता है। अप्रेंटाइज बेसिक क्या होता है? जो भी सीख रहा होता है काम। उसके बाद जो सिक्स्थ और लास्ट क्लास ऑफ वर्कमैन है वो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मीन्स अ वर्कमैन हु वर्क्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। वर्कमैन कौन, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन कौन होते हैं? जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी भी एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री में रखा जाता है। तो बेसिकली आपकी क्लासेस ऑफ वर्कमैन में सिक्स क्लासेस फॉल करती हैं। एक टेम्प्रेरी है, फर्स्ट आपकी परमानेंट है, फिर आपकी प्रोबेशनल है, फिर बदली है, फिर टेम्प्रेरी है, फिर अप्रेंटाइज है, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट है। Thank you so much for watching my channel, and please subscribe it for more informative videos.